हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो हम हमारे घर आया है अभी अरुण भाई, और हम लोग जा रहे हैं गिरौदपुरी धाम घूमने, जहाँ पे जत खाम है ऊंचा कुतुब मीनार जैसा, और वहाँ पे गुरु घासीदास बाबा जी का जो जन्म स्थल है और मंदिर है वहाँ पे घूमेंगे हम। फिर जाएंगे कसडोल साइड अनिल भाई से मिलने। अनिल पैकरा को, आप शायद जानते होंगे, जो सबसे फर्स्ट जो मोबाइल ऑक्टोपेड प्लेयर छत्तीसगढ़ के, ना अरुण भाई? हाँ, तो उनसे भी बात करेंगे जाके। ठीक है, अरुण भाई को देख तो एकदम हीरो जैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम लोग अभी रोड में हैं, गिरौद रोड में, हमारे गांव से निकल गए हैं हम। ठीक है अरुण भाई, चलिए ठीक, चलते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए इस ब्लॉग में। ठीक है, चल बैठ गया अरुण भाई, चल। लोग रुकते हैं यहाँ लारजा, ठीक है, और फिर आगे हमारे यहाँ पे चाचा का दुकान भी है। ठीक है, वहाँ पे आज दुकान बंद है, चाचा नहीं आया है, लेकिन आपको मकान उसका बाहर से दिखा कर जाएंगे। तो ये हेलो फ्रेंड, तो ये हमारे चाचा का जो शॉप है इलेक्ट्रॉनिक का, आज बंद है। तो ठीक है, चलते हैं फिर आगे। तो ये मेन रोड है मंदिर जाने का। ठीक है, चौकी है गिरौदपुरी का। ये देखो पूरा चट्टान ही चट्टान है इधर। इधर क्या है, पहाड़ी इलाका है, पूरा पत्थर वाला। ठीक है, वो साइड बता दो, ऊपर से देख लो फ्रेंड। ठीक है, पूरा चट्टान ही चट्टान इधर तो। और वो देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ अपना जैत धाम। आए
सो फ्रेंड्स, तो ये अपना मेन गेट है अपना, जो जैद खाम है उसका जाने का, मतलब मंदिर और जैद खाम जाने का जो दर्शनीय स्थल है उसका मेन जो गेट है ये। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से घुसते हैं अंदर, तो बने तो रहेगा वीडियो में, बंद कर दे। ये भी अपना एक गेट है, ठीक है, यहाँ से भी और अंदर जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ लेफ्ट साइड जैद खाम आने वाला है। ये अपना मेन गेट है, ठीक है, ये जाने का, ये जाने के लिए है अपना मेन गेट। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं गिरौदपुरी धाम। तो यहाँ देखिए, ये जो जैद खाम है गुरु घासीदास बाबा जी का, तो उसका गेट है, और आगे इधर मंदिर जाने का रास्ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये जो है जैद खाम जाने का मेन गेट है, तो चलिए अंदर जाते हैं। तो ये है स्पेस है बहुत सारा जो लोगों के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे बढ़िया पेड़ लगा है बहुत सारा, यहाँ साइड साइड में। उसके बाद हाथ यहाँ सीढ़ी से नीचे उतरते जाएंगे, ठीक है। ये नीम का बढ़िया पेड़ लगा है, एकदम ठंडा हवा आ रहा है। और ये सामने हमारा जैद खाम, जो यहाँ का जो डिजाइन है, जो ताजमहल में बीच में ये ना रहता है ना पानी स्विमिंग पूल जैसा, बहुत बड़ा है। तो वैसा जो है यहाँ पे, देखिएगा नज़दीक में जाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना बड़ा है फ्रेंड्स, कितना एट्रैक्टिव लग रहा है ना। पास में जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ आगे चलते जा रहे हैं, उधर अंदर लेके जाएंगे आपको। तो चलिए फ्रेंड, आगे अंदर का आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी पानी नहीं है, क्योंकि वो जो मेला सीजन में ज़्यादा ये रहता है डेकोरेशन, अभी क्या है जो अभी सीजन नहीं है ना, इसलिए कुछ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है ना यहाँ रहे, इसलिए अभी पानी को खाली कर दिया गया है। अरुण भाई, उसका भी रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी।
देखिए फ्रेंड कैसा लग रहा है। यह भी जो कार बार आने का, ये तो ये अपना यहाँ पे जूता चप्पल निकालने का, तो निकाल देते हैं अब अपना शूज, ठीक है फिर अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड अपना हम शूज निकाल दिए हैं वहाँ पे, तो चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है यहाँ पे देखिए कितना डेकोरेशन लगा है यहाँ पे, ग्रीन हाउस, उसके बाद यहाँ पे पूरा एकदम गोल। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ देखिए डिजाइन, यहाँ लाइट लगा है। जो है बताते हैं हम आपको, जो कि बॉर्डर को, तो यहाँ जो खाली जगह है, ठीक है यहाँ कम से कम 1.5-2 मंजिल ऊपर है जमीन से। अंदर जाने नहीं दे रहा है किसी को, अभी बंद है गेट, ठीक है ये गेट खुलता है अंदर जाने के लिए, ये बंद है कि जो सीजन अभी जो कोरोना काल था तो इसलिए भी पूरा बंद किया गया है, क्योंकि लोग सिर्फ अभी बाहर से ही देख कर जा रहे हैं, ठीक है अभी अंदर में कुछ कुछ काम भी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड और आगे हम आपको मंदिर भी दिखाते हैं यहाँ का। अंदर नहीं जाने देवा था, तो चलिए गाइस आपको दिखा दिए यहाँ का जियत खाम। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम मंदिर साइड, ठीक है। फिर वहाँ पे हमारा बाइक है बाहर में, यहाँ पे शूज निकाले हैं, ये देखिए बहुत से मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये लिफ्ट का जो अंदर से सीढ़ी का सिस्टम है, ठीक है। तो
तो देखिए कितना विशाल और कितना अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लौट रहे हैं, मंदिर की ओर जाएंगे फिर। तो यहाँ पे जो आगे फोटो स्टूडियो सिस्टम, तो कई लोग जो फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बार आना आप लोग घूमने ज़रूर, गिरौदपुरी धाम बलौदाबाजार ज़िला में है, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ हर हमेशा लोग रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड, अभी हम हैं जैत खाम गेट के बाहर में, और यहाँ पे कुछ आइसक्रीम का जो ठेला लगा हुआ है, और अरुण भाई ये मस्त आइसक्रीम खा रहा है। ठीक है, अरुण भाई का जो खाना पीना हो जाएगा उसके बाद इधर मंदिर के साइड चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे अंदर का, ठीक है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ बारह काल लोग जो है बिहान आपने लेटते जाते हैं नरियर गुरु घासीदास जी के, बाबा के चरणों में, ठीक है, जिनका भी मनोकामना रहता है वो पूरा होता है।